आप देख रहे हैं दखल न्यूज। कर्नाटक और गोवा के बाद पंजाब में हुई सियासत तेज। नवजोत सिंह सिद्धू ने दिया अमरिंदर मंत्रिमंडल से इस्तीफा। सपा नेता आजम खान का नाम भू माफियाओं की सूची में डालने पर विचार। आजम पर लोगों की जमीन हड़पने का आरोप। एमपी के पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के इलाके में बुरे हाल। तार के सहारे नदी पार करते हैं किसान। आदिवासियों पर गोली चलाए जाने पर सियासत। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस सरकार को ही घेरा। और बरेली के बाद भोपाल में लव मैरिज पर विवाद। इलाहाबाद की लड़की ने कहा परिवार से खतरा। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। कर्नाटक में राजनीतिक उठापटक जारी है। गोवा में कांग्रेस पस्त हो चुकी है। ऐसे में पंजाब की राजनीति में भी घमासान मचा हुआ है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को मंत्रिमंडल से बाहर करते उससे पहले ही सिद्धू ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। सिद्धू के मुताबिक उन्होंने 10 जून को ही राहुल गांधी को अपना इस्तीफा भेज दिया था। सिद्धू ने खुद ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी है। ट्विटर पर उन्होंने वह पत्र भी पोस्ट किया है जिसे उन्होंने पार्टी अध्यक्ष को संबोधित करते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। कांग्रेस नेता सिद्धू का पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर के साथ पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा था। सीएम कैप्टन अमरिंदर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में भी सिद्धू नदारद थे। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू अपनी ही सरकार के लिए किरकिरी बने हुए हैं। दरअसल उनके खिलाफ बीजेपी नेता तरुण चुग ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर शिकायत की थी कि उन्होंने मंत्री पद की शपथ तो ले ली है लेकिन अभी तक कार्यभार नहीं संभाला है, फिर भी वे मंत्री के रूप में मिलने वाली सैलरी और भत्तों का पूरा मजा ले रहे हैं। चिट्ठी में लिखा गया है कि सिद्धू और सीएम के बीच विवाद ने संवैधानिक संकट पैदा कर दिया है। लोकसभा चुनावों के दौरान पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए खुद को जानबूझकर निशाना बनाए जाने का सिद्धू ने आरोप लगाया था। वहीं सीएम ने सिद्धू से उनका विभाग छीन लिया था। इसके बाद से सिद्धू कैप्टन से नाराज चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में टिकट नहीं मिलने पर सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने कैप्टन के खिलाफ खुलकर नाराजगी जताई थी। इसका सिद्धू ने भी समर्थन किया था। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के गृहनगर रामपुर का जिला प्रशासन उत्तर प्रदेश सरकार के एंटी भू माफिया पोर्टल पर भू माफिया की श्रेणी के तहत उनका नाम डालने पर विचार कर रहा है। साल 2017 में सत्ता संभालने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भू माफियाओं की पहचान करने और लोगों को जमीन हड़पने की शिकायत दर्ज करने के लिए इस पोर्टल की स्थापना की थी। उत्तर प्रदेश सरकार सपा नेता आजम खान को भू माफियाओं की श्रेणी में रखना चाहती है। पुलिस के अनुसार नव निर्वाचित सांसद के खिलाफ 30 से अधिक मामले चल रहे हैं जिसमें से ज्यादातर सरकारी या किसानों की जमीन को हथियाने से जुड़े हैं। रामपुर के पुलिस अधीक्षक अजय पाल शर्मा ने कहा कि जमीन हथियाने के मामलों में कथित रूप से शामिल होने के कारण आजम खान का नाम भू माफिया पोर्टल पर सूचीबद्ध करने की सिफारिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट और मैं जिले के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में आजम खान या उनके सहयोगियों द्वारा हड़पी गई भूमि से संबंधित रिपोर्ट की समीक्षा करेंगे। इसके बाद उनके नाम को सरकार के भू माफिया पोर्टल पर सूचीबद्ध करने की सिफारिश करेंगे। शुक्रवार को भी रामपुर में राजस्व विभाग द्वारा दर्ज एक एफआईआर के आधार पर आजम खान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर में आजम खान और उनके करीबी सहयोगियों व पूर्व पुलिस अधिकारी अली हसन खान के खिलाफ 26 किसानों की जमीन हड़पने का आरोप लगाया गया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद रामपुर में 26 किसान अब अलग एफआईआर दर्ज कराएंगे। इन सभी को कथित तौर पर एक जाली सेल डीड पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रताड़ित किया गया था। राजस्व विभाग ने शिकायत में आजम खान पर आरोप लगाया है कि गरीब किसानों की जमीन हड़पने के लिए उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है और 5000 हेक्टेयर की एक अन्य विशाल भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है। दंतेवाड़ा के डीआरजी पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई जबरदस्त मुठभेड़ में 5-5 लाख के 2 इनामी नक्सलियों की मौत हो गई है। मुठभेड़ के बाद सर्चिंग अभियान जारी कर दिया गया है।
दंतेवाड़ा में गुनियापाल के करियापारा, नदियापारा, रवैयापारा के जंगलों में डीआरजी और नक्सलियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 5-5 लाख के दो इनामी नक्सली लीडर मंगीर एरिया कमेटी मेंबर देवा और एरिया कमेटी मेंबर मुया को जवानों ने मार गिराया। जवानों ने मुठभेड़ के दौरान एक महिला नक्सली को भी गिरफ्तार कर लिया है। यह मुठभेड़ लगभग 1.5 घंटे तक चली और इस मुठभेड़ के दौरान मंगीर एरिया कमेटी का सदस्य प्रदीप जंगलों में भाग गया है। एसपी अभिषेक पल्लव ने बताया कि मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों के पास से जवानों ने 2 हथियार भी बरामद किए हैं। मुठभेड़ के बाद आसपास के इलाकों में सर्चिंग बढ़ा दी गई है। सर्चिंग के दौरान अभी और भी नक्सल सामग्री बरामद होने की उम्मीद है। बोरानपुर में आदिवासियों पर हुए गोलीकांड को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अपनी ही सरकार को घेरते हुए ट्वीट कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। दिग्विजय ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता आदिवासी विकास और उनके अधिकारियों का संरक्षण है। उधर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने घटना को दुखद एवं निंदनीय बताया है। बुरहानपुर में आदिवासियों पर चलाई गई गोली को लेकर मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अपनी ही कांग्रेस सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। एक ट्वीट के माध्यम से दिग्विजय सिंह ने मामले की निंदा की, साथ ही कमलनाथ सरकार को याद दिलाया कि सरकार की प्राथमिकता आदिवासी विकास और उनके अधिकारों का संरक्षण है। दिग्विजय ने कहा कि जो घटना हुई है वह मौजूदा शासन की घोषित नीति के विरुद्ध है, अतः निंदनीय। तत्काल शासन को दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करनी चाहिए। उधर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार पर निशाना साधा और कहा कि आदिवासी भाइयों को अधिकार दिलाने की बात करने पर वाली सरकार कैसे उन पर गोली चला सकती है। सरकार के मंत्री ही अब तो सरकार पर उंगली उठाने लगे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि मामले की निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए एवं दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही हो। इस घटना से आदिवासी समाज में सरकार को लेकर आक्रोश है। लापरवाही से किसी को क्षति पहुंचाना, ये लापरवाही है क्या कि रेंजर बंदूक चलाते आदिवासियों के सीने पर? ये लापरवाही से नहीं चली है, ये हानि पहुंचाने के मंशा से चलाई गई है। ये 307 का धारा लगना चाहिए, ये हत्या का प्रयास है। युद्ध स्तर पर मध्य प्रदेश शासन ने निरस्त किए गए दावे और लंबित दावे जो हजारों लाखों के संख्या में है, जो हलफनामा जो पेश हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें 3.5 लाख ऐसे आदिवासी हैं जिनके दावे निरस्त किए गए हैं। तो वो 3.5 लाख आदिवासी तो झूठ नहीं बोल रहे होंगे? नहीं। तो ये जो निरस्त किए हुए जितने भी दावे हैं, जो लंबित जितने भी दावे हैं, जो वो भी लाखों की संख्या में हैं, उनका तत्काल कानून के आधार पर यानी कि ग्राम सभा के माध्यम से उन दावों का निरीक्षण किया जाना चाहिए, उनका जांच किया जाना है कानूनी पद्धति से। ऐसा नहीं कि रेंजर के या वन अमले के मनमानी से, कानूनी पद्धति से वो निरीक्षण किया जाना चाहिए और किसी को भी तब तक बेदखल नहीं किया जाना चाहिए। ये हमारे स्पष्ट मांग है। गौरतलब है कि नेपा नगर में वन विभाग द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने पर आदिवासियों और पुलिस के बीच में विवाद हो गया था। बताया जा रहा था कि पुलिस के गोली चलाए जाने से 5 आदिवासी घायल हो गया, जिसने से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। आदिवासी संगठन ने वन विभाग द्वारा चलाई गई गोली की जांच करने की मांग की है। संगठन का कहना है कि जमीन पर अतिक्रमण को लेकर गाँव वालों पर दर्ज मामले वापस किए जाएं। भाजपा पर कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा शासित राज्य में पैसे ले लेकर अफसरों के ट्रांसफर होते थे, अब कमलनाथ सरकार ने शिकंजा कसा और अच्छे अधिकारियों की सही जगह पोस्टिंग की जा रही है। कमलनाथ सरकार ने एक बार फिर भाजपा पर धावा बोला है। कुत्तों के तबादलों पर जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा का पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा पैसों के लिए अफसरों के ट्रांसफर करती थी, लेकिन कमलनाथ सरकार ने इस पर शिकंजा लगा दिया है। साथ ही कमलनाथ सरकार देश और महिलाओं की सुरक्षा के लिए अब जिम्मेदार अफसरों को तैनात कर रही है। बीजेपी के जमाने में SP और कलेक्टर पैसे लेके पोस्ट होते थे, कमलनाथ जी ने इन सब चीजों को पूरी तरह से रोक लगा दी और जो बेस्ट ऑफिसर्स होते हैं उनको वहाँ पोस्टिंग होती है। किसी तरह के कोई लेन देन की आज तक बात आई नहीं, ये केवल बीजेपी का फैलाने का भ्रम है। जहाँ तक डॉग से सवाल है, भैरव है ये वो प्राणी है जो वफादार प्राणी है, उसकी भी सहूलियत के हिसाब से, उसकी उम्र के हिसाब से, उसके काम के हिसाब से उसको अगर कहीं एक जगह से दूसरी जगह रखा है तो इनके इनको क्यों परेशानी हो रही है।
बरेली के बाद अब भोपाल में भी एक युवती ने लव मैरिज के बाद अपने पिता और परिवार वालों से जान का खतरा बताया है। युवती दीक्षा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए बताया कि उसे और उसके ससुराल वालों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। दीक्षा के ससुर ने भी दीक्षा के परिवार वालों पर धमकाने और मारने का आरोप लगाया है। दीक्षा अग्रवाल इलाहाबाद की है और उसने भोपाल के ऋतुराज से प्रेम विवाह किया है। बरेली की साक्षी और अजितेश की शादी का मामला देश भर में अभी तक सुर्खियों में बना हुआ था, वहीं अब एक ऐसा भी मामला भोपाल में सामने आया है। इलाहाबाद की दीक्षा अग्रवाल ने भोपाल के ऋतुराज सिंह राजपूत से लव मैरिज की। दीक्षा का कहना है कि अब उसको और उसके पति के परिवार को पिता से जान का खतरा है। युवती ने अपने दादाजी पूर्व उप महापौर पर धमकाने का आरोप लगाया है। वीडियो जारी करते हुए साक्षी ने कहा कि यदि उनके पति या ससुराल वालों को कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार मेरे घर वाले होंगे। दीक्षा ने वीडियो में कहा है कि वह अपने पति के साथ खुश है, उसको परेशान करना बंद कीजिए। मेरा नाम दीक्षा अग्रवाल राजपूत है और मैंने ऋतुराज सिंह राजपूत से 5 जुलाई 2019 को पूरे होशोहवास में और अपनी मर्जी से शादी की है। मैं अपने दादाजी श्री मुरारीलाल अग्रवाल इलाहाबाद के पूर्व उप महापौर, मेरे पिताजी श्री पवन अग्रवाल, मेरी बुआ फूफा दुबे जी, आप लोग से निवेदन करती हूँ कि आप पुलिस प्रशासन की मदद से और अपना पॉलिटिकल पावर यूज़ करके कृपया हमें तंग करना बंद कर दें। मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपने पति के साथ में सुख चैन से जीना चाहती हूँ, इसलिए कृपया मुझे, मेरे पति को और मेरे ससुराल पक्ष को तंग करना बंद कर दें। उधर लड़के के पिता ने भी पुलिस में दीक्षा के परिवार वालों के खिलाफ शिकायत की है। लड़के के पिता ने बताया कि दीक्षा के परिवार वाले भोपाल के एक होटल में रुके हुए हैं और हमारे परिवार को डरा और धमका रहे हैं, हमारे ऊपर शादी ना मानने का दबाव बनाया जा रहा है, दीक्षा के परिवार वालों को कहीं ना रहने देने की धमकी दी जा रही है। दीक्षा अग्रवाल के पिता पवन अग्रवाल ने जब मेरी मिसेज पानी लेके आई तो टेबल पे लात मारी, उसको डायरी फेंक के मारी और बदतमीजी की इनकी बहनों ने, सीमा अग्रवाल वगैरह ने, और काफ़ी मतलब हमें टॉर्चर किया। फिर इसके बाद में थोड़ा सा मतलब मैंने फिर पीआई से बात हुई तो पीआई ने कहा कि आप हमें सूचना दें, तो मैंने इसलिए सूचना दी थी कि मेरी बहू इस प्रकार मीडिया और पुलिस के पास जाए, किंतु ये लगातार उस दिन से मेरे को टॉर्चर कर रहे हैं, प्रशासनिक तौर पे ऑफिस भी गए ये लोग, सब प्रकार से तुम्हें बर्बाद कर देंगे, कहीं का नहीं देने। इसके बाद ये लगातार यहीं रुके हुए हैं, ये होटल ग्रांड जो है इसमें रुके हुए हैं, ये चारों पाँचों ये लोग गए नहीं है अभी। मेरे फिर ब्रदर से इन्होंने कॉन्टेक्ट किया 4 दिन पहले ऑफिस में, उसको डायरेक्टर ने, वो इलाहाबाद के रहने वाले, उन्होंने धमकी दी, तो मेरे ब्रदर ने ये कहा कि भाई आप हमें मौका दो तो आप ये सब कार्रवाई बंद कर दो, तो हम क्या है कि बच्चों को अवेलेबल करा देंगे अगर आप मतलब इस संबंध को, तो वो लोग ये कहते हैं कि आप तो रिंग सेरेमनी कर दो, गोद भर दो और हमें लड़की को सौंप दो। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lnctu.ac.in. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जेल से भागने की कोशिश में दीवार से छलांग लगाने पर एक कैदी की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हो गया है। दोनों ही चोरी के मामले में जेल में बंद थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दीवार लांघकर जेल से भागना दो कैदियों को महंगा पड़ गया। मामला कटघोरा उप जेल का है।
जहां दो कैदियों ने जेल की बाउंड्री वॉल से कूदकर भागने की कोशिश की, जिसमें एक कैदी की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक पाइप के सहारे कैदी रमेश कुमार और अशोक कुमार 22 फीट ऊंची दीवार तक पहुंचे। इस दौरान कुछ बंदियों की उन पर नजर पड़ गई। जेल में तैनात प्रहरी भी वहां पहुंच गए। तब तक दोनों बाउंड्री वॉल के ऊपर चढ़ चुके थे। जैसे ही प्रहरियों ने उनसे नीचे उतरने को कहा, दोनों ने जेल के बाहर छलांग लगा दी। सायरन बजने से प्रहरी द्वारा दोनों कैदियों को पकड़ लिया गया। ऊंचाई से कूदने की वजह से कैदी रमेश कुमार की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, वहीं दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। जेल से दो कैदी भागते वक्त जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गए और एक का पैर टूट गया जिसका नाम अशोक था और दूसरे का कमर में चोट था, ऐसे करके जानकारी हुई। तो इस पर थाने में जो है उनके विरुद्ध में धारा 224 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उसमें से एक कैदी के विरुद्ध जो है उसको इलाज के दौरान आज मृत्यु होने की सूचना थाने में प्राप्त हुई, तो मर्ग पंजीबद्ध किया गया है। मध्य प्रदेश में मंत्रियों के आलीशान बंगलों की साज सज्जा पर कमलनाथ की कंगली सरकार ने करोड़ों रुपए फिजूल फूंक डाले हैं, लेकिन गरीबों को सरकार ने उनके हाल पर ही छोड़ दिया है। यह खबर पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा को समर्पित है। मंत्री जी, देख लीजिए आपके देवास का हाल। वहां के गरीब किसान भी आपकी सरकार की तरह दो तारों के सहारे लटके हैं कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ये खबर एमपी के लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के लिए है। सज्जन सिंह वर्मा ने अपने भोपाल के सरकारी बंगले की साज सज्जा पर इतने रुपए खर्च कर लिए कि जितने में एक नया मकान आ जाता। मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, आप जितना बोलते हैं उतना काम अपने इलाके में कर रहे होते तो पूरा देवास इलाका स्वर्ग हो जाता और कुछ गरीब गुरबों को तारों पर लटक कर अपने खेतों तक नहीं जाना पड़ता। यह तस्वीर मध्य प्रदेश की हकीकत बयां करने के लिए पर्याप्त है। देवास आपका इलाका है और वहां के ये हाल बताते हैं कि वहां विकास कैसे हुआ है। दुर्दशा के ये चित्र नेताओं की नेतागिरी इस इलाके में कैसी है, इसका जीता जागता सबूत है। आप कह सकते हैं हमारी सरकार को तो सिर्फ 6 महीने हुए हैं, लेकिन कुछ करके दिखाना हो तो 6 महीने भी बहुत होते हैं। और आप तो लंबे अरसे से इस इलाके के नेता हैं। आपके राज में अपनी जान जोखिम में डालकर ये किसान और उनके परिवार नदी पार करते हैं। किसान खेती करने के लिए रस्सी और तारों के सहारे जान जोखिम में डालकर इस बहते पानी पर इस पार से उस पार होते हैं। मंत्री जी, यह आपके विधानसभा सोनकक्ष की ग्राम पंचायत बेराखेड़ी और ग्राम पंचायत पटाड़िया ताज के किसान है, लेकिन आपको इनकी परेशानी से क्या, आपकी नेतागिरी तो चल रही है ना। भाड़ में जाए गरीब किसान, यहाँ के लोग हर जगह दस्तक देने के बाद पंचायत से भी लिखा पढ़ी करके सरकार के पास भिजवा चुके हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। नहीं, वो समस्या हमने तो हमारे पंचायत द्वारा लिख के दिया है। अच्छा। आगे जनपद में पहुँचाया उसको। अच्छा, प्रस्ताव हुआ पंचायत से। कारण क्या हुआ, आगे एस्टिमेट नहीं रहता है ना पंचायत में, वो बड़ा पुलिया बनाना पड़ता है, पंचायत के पास इतना पेमेंट देते नहीं है वो। परेशानी क्या, वो निकलने की समस्या, लेडीज संसद निकलाता ही नहीं वहाँ पे, कैसे निकले सब समस्या हर आदमी है। इस विषय पर जो पुल नदी है वहाँ पर पुल बनना चाहिए, शासन को उस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गांव खेत पर जाने के लिए महिला और बच्चे साथ में जाते हैं, जिससे कभी भी कुछ बड़ा हादसा हो सकता है, इसलिए शासन को वहाँ पर कुछ पुल बनाना चाहिए। हमारे द्वारा पंचायत में ठहराव प्रस्ताव जो मीटिंग रहती है उसमें ठहराव प्रस्ताव बना के भेज दिया था, लेकिन उस ओर वो अब ये जिला जनपद की जिम्मेदारी है, अगर उनको ध्यान देना चाहिए। हमारे द्वारा वहाँ पर अवगत करवा दिया था। नहीं, सरकार जो हमारे द्वारा जो था ठहराव प्रस्ताव लेके हमने भेज दिया था, लेकिन वो आगे अब जनपद के ऊपर है। सज्जन सिंह वर्मा, इन गरीब गुरबों की भी सुन लीजिए या फिर इंतजार कीजिए यहाँ कोई बड़ा हादसा होने का, क्योंकि जब आप अपने आलीशान बंगलों में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं उस समय आपके इलाके के ये लोग पेट पालने के लिए जान की बाजी लगाकर इन तारों और रस्सी के रास्तों से सफर करते हैं। इन किसान परिवारों के लिए तो ऐसे में बारिश जिंदगी की किसी जंग से कम नहीं होती। इस रास्ते का एक सिरा एक खंबे से तो दूसरा सिरा एक पेड़ से बंधा है।
मंत्री जी, आप वाकई में अपनी प्रजा के हितैषी हैं, तो इन हवा में झूलते लोगों के लिए कोई पुख्ता इंतजाम कीजिए। वैसे आपके इलाके के इस किस्से से आपकी सरकार का हाल भी बयां होता है, जिसका एक सिरा निर्दलियों से बंधा है तो दूसरा सपा बसपा में। ऐसे में सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। भारतीय जनता पार्टी का देश व्यापी सदस्यता अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है। सदस्यता अभियान को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा कि लोग प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के कारण सदस्यता अभियान से जुड़ रहे हैं। लोगों को पार्टी पर विश्वास है और संगठन की रीति और नीति देखकर लोग सदस्यता अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान में बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह शहर के बाजारों में घूम घूम कर लोगों को भाजपा का सदस्य बना रहे हैं। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में भाजपा से जुड़ने के लिए बड़े स्तर पर सदस्यता अभियान चला रही है। इसी तारतम्य में जबलपुर जिले में भी भाजपा के लोग भाजपा की नीति और रीति से जोड़ने के लिए लोगों के पास जाकर उन्हें भाजपा का सदस्य बना रहे हैं। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान का क्रम जारी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की रीति नीति, इससे सभी लोग जुड़ना चाहते हैं और उसके कारण लोगों में उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनने के लिए। और हमने भी ये तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी बने, इसके लिए समाज का हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े और इसको एक अभियान के रूप में मध्य प्रदेश में हम कर रहे हैं। राकेश सिंह का कहना है कि देश के लोग प्रधानमंत्री की लोकप्रियता और संगठन की रीति और नीति को देखकर भाजपा से जुड़ना चाह रहे हैं। सदस्यता अभियान में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए खास तैयारी के तहत वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है। सरपंच के शासकीय स्कूल की जमीन पर अतिक्रमण करने का मामला सामने आया है। शाला प्रभारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरपंच पति उन्हें धमकियां दे रहा है और उनका कहना है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर न्याय की उम्मीद किससे की जाए। सरपंच गांव का मुखिया होता है और उससे उम्मीद होती है कि वह गांव की कानून व्यवस्था बनाए रखने में मददगार होगा, लेकिन अगर सरपंच खुद ही व्यवस्था ध्वस्त करने में लगा हो तो फिर किस पर विश्वास किया जा सकता है। मामला राजधानी भोपाल के बेरसिया जनपद की रतुआ पंचायत का है, जहां शासकीय स्कूल की दयनीय हालत हो रही है। स्थिति को सुधारने के बजाय सरपंच ने स्कूल की जमीन पर अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है। सर, यहां के सरपंच करवा रहे हैं, रतुआ पंचायत लगती श्रीमान जी ज्ञान सिंह सर, मेरे सामने करवाया उन्होंने। मैं यहां खड़ी रही तो कह ले किसी के बाप की जगह नहीं है, ये यहाँ के लोगों की, तुम क्या कर लोगी, तुमसे बने वो कर लो। तो मैंने कहा सर मैं ऊपर से कर लूंगी, तो मैंने देखे हैं ऊपर कई लोग, कौन मेरा क्या कर लेगा। शाला प्रभारी का आरोप है कि सरपंच द्वारा स्कूल की जमीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है। शिकायत करने पर सरपंच ने धमकी भरे स्वर में कहा कोई क्या कर लेगा। शाला प्रभारी ने जब इसकी शिकायत पटवारी से की तो पटवारी ने सिर्फ आश्वासन दिया। शासकीय प्राथमिक शाला रातुआ की भूमि पर सरपंच द्वारा शौचालय और बाउंड्री बनाकर जबरन कब्जा किया जा रहा है। देवास के भौसारा में लड़कियों के छेड़ने की घटना सामने आई है। लड़की छेड़ने वाले लड़कों ने स्कूल की लड़कियों का जाना स्कूल में दुभर कर दिया है। कभी लड़कियों पर पप्तियां कसते हैं तो कभी उनको छेड़ते हैं। परेशान लड़कियों ने सबकी शिकायत अपने घर पर की, उसके बाद सब ने मिलकर इन मजनुओं की जमकर पिटाई लगा दी। ये पड़ा एक और ये पड़ा दूसरा, ये भरोसा के लड़की छेड़ने वाले मजनू है। इस बार इन्हें इनकी हरकत इन पर भारी पड़ गई और लड़कियों के परिजनों ने इनकी जमकर पिटाई कर दी। भरोसा कन्या हाई स्कूल के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र कुलाला, सवरसी, धारूखेड़ी, सादीखेड़ा, बुदासा सहित आसपास से लड़कियां साइकिल से पढ़ने के लिए आती हैं। पिछले कई दिनों से कुछ लड़के इन्हें परेशान कर रहे थे, लड़कियां कई दिनों तक सहन करती रही, लेकिन कल कुछ युवकों ने लड़कियों की साइकिल को कट मार कर लड़कियों को गिरा दिया। लड़कियों ने बताया कि ये लड़के इन्हें रोज गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं। जब इस बात की अति हो गई तो इन लड़कियों ने घर पर अपने परिजनों को इस बात की जानकारी दी और कहा कि अब हम स्कूल नहीं जाएंगे। बस फिर क्या था, अगले दिन इन लड़कियों को छेड़ने वालों पर घर वाले टूट पड़े और कार्यक्रम पिटाई का शुरू हो गया। बच्चियों को कुछ ये शरारती तत्व, ये बच्चे
ये परेशान 4-5 रोज से कर रहे थे, तो बार बार ये परेशान टॉर्चर करते, रास्ते में भद्दी कमेंट्स करते हैं, तो इस कारण हम थाने पे आए, थाने का घेराव कर रहे हैं कि ये कब तक चलेगा इनको बाप। वो बहुत सारी लड़कियां स्कूल नहीं आ रही इस कारण, अभी 4-5 लड़कियां स्कूल नहीं आ पा रही ये इसी कारण, क्योंकि वो भद्दे कमेंट करते हैं, यहाँ से पूरे स्कूल से ही पीछा करते हैं, वो तो गाँव तक आते हैं। अच्छा, गाँव से, तो इसलिए हम उसके लिए आए यहाँ। लड़कियों के परिजनों ने इनकी जमकर पिटाई कर दी और इन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने लड़की छेड़ने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि स्कूल के पास पुलिस तैनात की जाए ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। आज मामला ये हुआ है कि कुछ बच्चियां पढ़ने आती हैं, तो कुछ बच्चे हैं जो छींटाकशी करते हैं, इसी बात को लेकर के आज छींटाकशी के बच्चों ने इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। अब भैरन समाचार सुनाएंगे आपको जर्जर भोपाली। नमस्कार, भैरन समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ, मैं हूँ जर्जर भोपाली। और भैया, अभी तो हिंदुस्तान की हर घर में बाढ़ आ गई, बता रहे हूँ। ये आंसुओं की, इतने इंडिया की टीम हार गई, इतनी आंसू बहा रहे हैं लोग, हर घर में पानी खतरे के निशान से ऊपर चल गया है, बता रहे हूँ। हाँ, और मैं बता रही हूँ, न्यूजीलैंड को ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है ना, बहुत बुरी चीज होती है, बता रही हूँ। इन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस में रहे, ये न्यूजीलैंड को तो ऐसे ही हरा लेंगे, बड़ी बड़ी टीमों को हराया तो इसको तो ये ही पटक लेंगे। और एक दिन बाद मैच हुआ, बारिश ने भी है ना मजा ख़राब किया, और दूसरे दिन पिच थोड़ी गीली हो गई और सुर्री बॉलें आ रही थी, इनको समझ नहीं आई, 3-4 तो ऐसे ही निपट गए। तब समझ में आया थोड़ी देर बाद, तो टिकना विकना शुरू किया इनने। और फिर भैया, हार के लिए कोई धोनी को जिम्मेदार ठहरा रहा है कोई किसी को, अब मैं बता रहा हूँ, धोनी नहीं होता तो ये 118 रन से हारते, अभी 18 से ही हारे। हाँ भैया, खिलाड़ी ये खेल है, खेल को खेल की तरह लो। हाँ, मैं बता रहा हूँ, जैसा थोड़ी है। और मुझे तो ये लग रहा है डर, कि जो खिलाड़ी जो आउट होके जा रहे थे, मुझे लगता है विज्ञापन कंपनियों का फोन आ रही है ना कि भैया जल्दी आ जाओ, शूटिंग करना है, ऐसा मेरे को लग रहा था। हाँ, और सट्टे वालों की बहुत 12 बज गए, इनको तो बहुत भारी नुकसान हुआ। इन्होंने सट्टा लगाया था कि जीतेगी इंडिया, इनको तो पूरा भरोसा था। वो जो हार के जिनने हार पे लगाया था, उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई, बता रहा हूँ, ये ऐसा तो चल जाए। और मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्रिकेट के अलावा दूसरी चीज़ें भी है। दुती चंद जो हैं अपनी एथलीट, इन्होंने 100 मीटर में स्वर्ण पदक ले लिया, इसकी खुशी मनाओ ना भैया, ग्लोबल इवेंट था, ये ऐसा थोड़ी है। हाँ, ये दूसरी चीज़ भी है, उनका भी ख्याल रखो। और भैया, मध्य प्रदेश का बजट आ गया, बता रहा हूँ। और डायबिटीज के मरीज यानी मेरे पास आए, शिकायत कर रहे थे, बोले मिठाइयों की ब्रांडिंग करने वाली सरकार है। भाजपा के शासनकाल में भाजपा वालों ने पकौड़ों का भी वो किया था, कि पकौड़े के ठेले लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। और ये भैया मिठाइयों की जस्ट अपोजिट होना चाहिए ना चीज़, तो इन्होंने सागर की बर्फी, मालवा का चूरमा बाटी, जलेबी, पेड़ा, इनका है ना वो ब्रांडिंग करेंगी सरकार, ये तो बता रही हूँ, बहुत मजा आएगा, बता रही हूँ। ये मिठाइयाँ बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे पैकेट में मिलेंगी खाने को। हाँ, ये खबर ये सुन लो, वो दाऊद की जो डी कंपनी है, इसमें ये आतंकवाद का काम कर रही है, पूरा आतंकवादियों का कम्युनिकेशन बढ़ा रही है, उनका काम कर रही, तो इसका हमने शिकायत कर दी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। अब वो भुनभुनाए बैठे हैं और तालिबान कह रहे हैं यहाँ हमला करो, वहाँ हमला करो। अरे मैंने कहा, मैंने उनसे कहा भी ये ऐसा है कि ये अब यहाँ हिंदुस्तान बेता नहीं रहा, पहले जैसा कहीं भी हमला कर दो, अब करके देखो सीधा यहाँ थी वो जाएगी मिसाइल, भाग से है ना तुम्हारे बम है सब फोड़ देगी, बता रही हूँ। हाँ, जरा संभल के रहा करो। और गोवा कर्नाटक में देख लो क्या, वो विधायक खेल रहे हैं भैया, कर्नाटक से 15 विधायक हैं वो वहाँ पे बम्बई में ऐश कर रहे हैं होटल में, वहाँ पे किसी को जाने भी नहीं दे रहे, बहुत प्राइवेसी रखी है, उनसे कोई मिलने नहीं दे रहा, बहुत ये उनका दिमाग ठीक होना चाहिए, नहीं वापस आ जाए बताओ। हाँ, और ये गोवा में भी यही हो गया भैया, 10 विधायक भाजपा में शामिल हो गए कांग्रेस के। इस समय मैं बता रही हूँ, विधायकों को पकड़ के रखो, मैं कमलनाथ जी से कह रही हूँ, इनको है ना विधायकों को रस्सी वस्सी बांध के ले जाओ, जहाँ भी जाओ साथ में। हाँ, तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ पे, और मैं कह रहा हूँ अपने विधायकों को तो संभालो, प्रदर्शन तो ठीक है, अपने घर को संभालना चाहिए भाई, आदमी इधर उधर नहीं जाके दूसरी पार्टियों में जा रही है। और ये खबर ये सुन लो, दिल्ली से फ्रांस जो फ्लाइट जा रही थी, उसमें 26 यात्रियों को नीचे उतारना पड़ा, वो टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम थी, वजन ज़्यादा हो रहा था, जो भी हो रहा था। और मैं बता रहा हूँ प्लेन वालों से ये कहना चाहूँगा, मैं हमारे मिनी बस वालों से सीखो कुछ, ये 10 सवारी इधर लटक जाती है, कहीं 10 सवारी उधर लटक जाती है, एक्स्ट्रा ऊपर बिठा के भी ले जाते हैं भैया, ये तो है। अब मेरा भी टाइम घर जाने को हो रहा है, मैं भी मिनी बस पकड़ूं। नमस्कार। From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lnctu.ac.in.
आप देख रहे हैं दखल न्यूज।